अरे जाओ बाबा, यहाँ कुछ नहीं है, इतनी देर से पीछे पड़े हुए हो, बोल रही हूँ ना कि जाओ यहाँ से। अरे बहू, कौन है बाहर, किससे बहस कर रही है? अरे माँ जी, एक भी खा रही था, मैंने उसको भगा दिया। अरे कंगुही, तूने मुझसे बिना पूछे उस भिखारी को कैसे भगा दिया? उसे जल्दी से बुला वापस। अच्छा अच्छा बुलाती हूँ। ओ ओ भिखारी भैया, जल्दी से वापस आ। सुन ले भिखारी, इस घर की मालकिन मैं हूँ, खबरदार जो फिर से भीख मांगने आया, भाग यहाँ से। बहू बहू। हाँ माँ जी, क्या बात है बोलो। बहू, खाने में आज कंकड़ निकला, भगवान ने तुम्हें दो दो आंखें दे रखी है, चावल में से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती क्या? बहुत सही, भगवान ने आपको भी तो 32 दांत दे रखे हैं, दो चार पत्थर नहीं चबा सकती क्या? माँ जी, आपकी फिजिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, क्या आया रिपोर्ट में? वैसे तो सब ठीक है, बस थोड़ा सा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आज से आपका घी तेल बंद। क्या, और सब ठीक है ना? हाँ हाँ, बस थोड़ा सा थायराइड भी बढ़ा हुआ है, तो आज से आपके खाने से नमक भी गायब। क्या, अच्छा और तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा सा शुगर भी बढ़ा हुआ है, तो आज से आपको खाने में शुगर फ्री खाना होगा। अच्छा और तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ बस थोड़ा सा इसमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो कल से आप सुबह पूरे घर में झाड़ू लगाने के एक्सरसाइज करेंगे। अरे संभव, सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोल रही कि मेरा खाना पीना बंद करके मेरा सुख चैन छीन रही? पर मैं भी तेरी सास हूँ, सब जानती हूँ तेरी चाल, अब से मैं ये सब चीजें डबल खाऊंगी। क्या बहू? ओ बहू। हाँ माँ जी बोलो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं बहू, बस काफी टाइम से देखा नहीं तो मन किया बुला लिया। क्या माँ जी, पता है मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी, उसे छोड़ करके आई हूँ, वो भी सिर्फ आपको अपनी शक्ल दिखाने। हे भगवान, उठा ले मुझे। चल छोड़, अब आ ही गई है तो मेरे पैर दबा दे, पैरों में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, इसका एक उपाय है मेरे पास, अभी आती हूँ। अरे तोड़ दी मेरी हड्डी, अरे पैर दबाने को बोला था, तूने तो मेरा पैर ही तोड़ दिया। तो क्या करूं, सारा दिन नचाती रहती हो, बिना काम की बुलाती रहती हो, कभी सोचा है मेरे पैरों में भी दर्द होता है कि नहीं, उसे कौन दबाएगा? खूब जानती हूँ, मेरे बेटे से रात में रोज तेल मालिश कराती है, वो दबाता है तेरे पैर। तो आप भी अपने पति से दबवा लो पैर, मैंने मना किया है क्या? मेरा दिमाग क्यों खाती हो? अरे हमारे जमाने में पति पैर नहीं छूते, आजकल की औरतें जैसी नहीं हूँ मैं कि अपने पति से पैर दबवाऊं। पता है मेरी शादी से पहले ससुर जी ही खाना बनाते थे और बर्तन भी धोते थे। लगता है मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। क्यों, कभी तो तुझे एक एक बात बताता है, आज तक मुझे कुछ नहीं बताया। अरे उन्होंने तो बहुत कुछ बता रखा है। अच्छा क्या क्या बताया है? यही कि जब आप मुझे फालतू के काम के लिए बुलाएं तो मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूं। क्या?